So, hello, electronics and computer science first year. But today we are going to be discuss about the theorems. So, in our syllabus, in a DC circuit, you have a four theorems. So, the four theorems are... So, bacho, these are your four theorems. First of your superposition, then your Thevenin, after the Norton's, and another is your maximum power transfer theorem. Okay? So one by one we are going to be discuss and we will understand the importance of these four theorems in our network. So these four theorems are using in your electrical network. What? Electrical network. Electrical network. Right? So first of all I will let you know what is the network. Right? Network आपका क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम पहले ये जाने इलेक्ट्रिकल तो आपको समझ आ रहा है, ठीक है. वो नेटवर्क क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द नेटवर्क. नेटवर्क बेसिकली आपका क्या होता है, नेटवर्क होता है जब हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को जब आपस में जोड़ देते हैं, चाहे वो आप सीरीज में जोड़ो, चाहे वो आप पैरेलल में जोड़ो, आप किसी भी तरीके से जोड़ो, तो हम उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं. ठीक है, मैं एक डेफिनेशन लिख रही हूँ यहाँ पे. तो बच्चे दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ योर व्हाट नेटवर्क. तो नेटवर्क वो होता है जब डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, चाहे वो आर है, एल है, सी है, मतलब रजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, इन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जब हम आपस में सीरीज या पैरेलल किसी भी तरह जोड़ देते हैं, तो जो जाल बनता है, जो ट्रैप बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं. तो मैं जैसे कह सकती हूँ, जैसे आपने ये लिया, आपने ये ले लिया, फिर आपने ये ले लिया. अब इसके अंदर अगर आपके क्या जुड़े हैं, अगर इसमें आपके वोल्टेज सोर्स जुड़े हैं, ठीक है, एक से अगर आपके इसमें क्या जुड़े हैं, वोल्टेज सोर्स जुड़े हैं, वोल्टेज या करंट सोर्सेज जुड़े हैं, ठीक है. अगर इसमें हमारे क्या कनेक्टेड है, सोर्सेज कनेक्टेड हैं, एक या एक से ज़्यादा, कैसे भी सोर्सेज कनेक्टेड हैं, तो ये कहलाएगा, तो ये कहलाएगा एक्टिव नेटवर्क. क्या कहलाएगा, एक्टिव नेटवर्क. लेकिन अगर इसके अंदर आपका कोई भी सोर्स कनेक्टेड नहीं है, मतलब कोई भी वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कनेक्टेड नहीं है, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पैसिव नेटवर्क. सोर्स नॉट कनेक्टेड, कनेक्टेड तो क्या कहलाएगा, वो पैसिव नेटवर्क. तो यानी आपके जो नेटवर्क है दो टाइप के हो जाएंगे, एक्टिव नेटवर्क और पैसिव नेटवर्क. तो अगर सोर्स कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे मैं आपको दूसरे इससे बना के दिखा देती हूँ. इसे मैंने यहाँ पे कह दिया, ये आपका कोई भी सोर्स हो गया, कनेक्टेड हो गया, एक सोर्स आपने यहाँ कनेक्ट कर दिया, तो ये बन गया आपका एक्टिव नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो गया, ठीक है. लेकिन अगर मैं कहूँ पैसिव नेटवर्क, तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूँ, सिंपल एक नेटवर्क बनाऊँ, जैसे मैं इसको ऐसे बना के दिखा देती हूँ, यहाँ पे कोई भी आपका सोर्स कनेक्टेड नहीं है, तो देन इट इज़ नोन एज अ पैसिव नेटवर्क. ठीक है बच्चों, तो आप इसमें आगे ये कह सकते हो कि एक्टिव नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा आपके क्या वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो नेटवर्क के अंदर, और किसी भी ब्रांच में, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, इस ब्रांच में क्या हो रही है, आपकी करंट फ्लो कर रही हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, एक्टिव नेटवर्क. लेकिन पैसिव नेटवर्क में कोई भी आपका सोर्स कनेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर किसी भी ब्रांच में, किसी भी शाखा में, ठीक है, तो ये जहाँ पर कंपोनेंट कनेक्ट है, उसे हम एक शाखा, फिर दूसरा कंपोनेंट दूसरी शाखा, फिर तीसरा कंपोनेंट तीसरी शाखा, तो शाखा को हम ब्रांच कहते हैं. तो आपका क्या होगा, यहाँ पे कोई भी आपका सोर्स कनेक्ट नहीं है, तो किसी भी ब्रांच में किसी भी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, यानी पैसिव नेटवर्क में आपकी कोई भी करंट फ्लो किसी भी ब्रांच में नहीं करेगी. उसके बाद आपका आता है नोड और जंक्शन. किसी नेटवर्क में, किसी भी नेटवर्क में नोड या जंक्शन एक ही बात है, नोड या जंक्शन वो होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक सर्किट आप पे कनेक्ट होते हैं. जैसे एक सर्किट तो ये समझ लो, और एक सर्किट आपका ये कनेक्ट कर दो, एक पूरा लूप ये चल रहा है, एक पूरा लूप ये चल रहा है, तो पहला लूप ये हो गया, दूसरा ये हो गया. तो इन दोनों लूप में आपका पहली ये देखिए, ये और ये इस नोड से कनेक्टेड है, ठीक है. तो ये क्या हो गया, किसी नेटवर्क में नोड और जंक्शन वो होता है जहाँ दो या दो से अधिक सर्किट आपके क्या होते हैं, कनेक्टेड है.
जहाँ दो या दो से अधिक सर्किट कनेक्टेड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नोड या जंक्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं इसी में बात करूँ ब्रांच की, तो ब्रांच आप क्या कह सकते हैं, देखिएगा, ब्रांच ब्रांच क्या होती है आपकी, ब्रांच आपकी होती है किसी भी नेटवर्क की डिफरेंट, नेटवर्क की अनेक शाखाएं, किसी भी नेटवर्क की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और नेटवर्क के एक बंद सर्किट को हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं, ठीक है। ब्रांच क्या होती है, किसी भी नेटवर्क की डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं, और एक नेटवर्क के एक क्लोज सर्किट को, इस पूरे सर्किट को हम क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। लूप ये कहलाएगा, ये लूप कहलाएगा, क्लोज हो गया ना पूरा, जहाँ शुरू हुआ वहीं पर ख़त्म हो गया, प्लस से शुरू हुआ और फिर माइनस पर ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो गया आपका लूप, सर्किट क्लोज लूप, ठीक है। किरचॉफ लॉ में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। बच्चों इस थ्योरम्स को समझाने से पहले ना हमारे में एक कॉन्सेप्ट हमारा यूज़ होना है, दैट इज़ योर लीनियर नेटवर्क। तो कॉन्सेप्ट यूज़ होना है इन थ्योरम्स में, लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क, ठीक है। लीनियर नेटवर्क आपके वो होते हैं जिसमें करंट और वोल्टेज को चेंज करने पर भी, करंट और वोल्टेज चेंज होने पर भी आपके जो पैरामीटर्स की वैल्यू, अगर इफ़ यू आर करंट एंड वोल्टेज आर चेंजिंग, करंट और वोल्टेज आपके चेंज हो रहे हैं, बट लेकिन जो सर्किट के पैरामीटर है, बट सर्किट पैरामीटर आर कॉन्स्टेंट, सर्किट के जो पैरामीटर्स है वो कॉन्स्टेंट हैं, तो ऐसे नेटवर्क को हम बोलेंगे लीनियर नेटवर्क। उसी तरफ अगर नॉन लीनियर नेटवर्क इनको बोलेंगे, वे सर्किट जिनमें करंट और वोल्टेज के चेंज होने पर, करंट एंड वोल्टेज आर चेंजिंग अलोंग विद दिस द सर्किट पैरामीटर आर ऑल्सो चेंजिंग, मतलब आपके जो सर्किट पैरामीटर है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, तो ऐसे सर्किट को हम बोलेंगे नॉन लीनियर नेटवर्क। तो जितने आपके इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है आर, ठीक है, तो वो तो आपके हो गए इलेक्ट्रिकल, वो तो आपके लीनियर हो गए, ठीक है। और नॉन लीनियर क्या हो जाएगा, आपके ट्रांजिस्टर, जितना आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर पढ़ेंगे वो आपके नॉन लीनियर नेटवर्क होते हैं, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत थी इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये लीनियर वर्ड मैं यूज़ करूँगी, लीनियर नेटवर्क नॉन लीनियर नेटवर्क, तो आप वहाँ कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए देखिए बच्चे, सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहते हैं, सुपरपोजिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम ये कहते हैं कि किसी, यहाँ पे जो आप इम्पीडेंस देख रहे हो, इम्पीडेंस का मतलब यहाँ पे आर जो होता है, रेजिस्टेंस को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इम्पीडेंस बोल रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हो वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है। जो यहाँ जो आर होता है वही आपका क्या है, यहाँ पे जेड है, इम्पीडेंस, ठीक है। कहानी अलग अलग है, लेकिन अभी अभी आप यहाँ पे सिर्फ आर को जेड समझ लीजिए आप, या फिर अगर आप लीनियर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, जब लीनियर लीनियर का मतलब क्या है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करें, ठीक है, जो भी मैंने लीनियर नेटवर्क आपको बताया, ठीक है। जब लीनियर इम्पीडेंस नेटवर्क में, जो लीनियर नेटवर्क है, लीनियर नेटवर्क में दो या दो से ज़्यादा EMF यानी सोर्स, दो सोर्स एक साथ एक्टिव हों, तो उस नेटवर्क के किसी बिंदु पर, किसी नेटवर्क, तो उस नेटवर्क के किसी पॉइंट पर फ्लो करने वाली करंट का मान हम किससे निकालते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम से निकालते हैं। इसका कहने का मतलब बच्चे यहाँ पे ये है, जैसे मैंने ये कहा कि आपको एक सर्किट बना के दिया मैंने, जैसे ये, ठीक है, और मैंने कहा कि ये एक सोर्स है, ये मान लीजिए, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स आप मान लो कि 3 वोल्ट का या कुछ भी, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो आप इजीली करंट की वैल्यू निकाल दोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि मैंने यहाँ पे एक सोर्स और कनेक्ट कर दिया 5 वोल्ट का, तब आप इस वैल्यू को कैसे निकालने को, तो ये यही कह रहा है इस सर्किट, इस थ्योरम में, कि जब किसी लीनियर इम्पीडेंस, आपको ट्रांजिस्टर वगैरह तो नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लीनियर नेटवर्क दिखाई, लीनियर एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जैसे आर, एल और सी, जब किसी लीनियर इम्पीडेंस नेटवर्क में दो या दो से अधिक, एक पे नहीं अप्लाई होगा ये, जब दो या दो से अधिक EMF, ये EMF ही तो है, ठीक है, दो EMF यानी सोर्स एक्टिव हों, तो उस नेटवर्क के किसी भी पॉइंट पर फ्लो करने वाली करंट का मान हम सुपरपोजिशन थ्योरम से क्या करते हैं, निकालते हैं। अब जैसे कैसे होगा, इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि जब ये कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा सोर्स वाले हम लीनियर नेटवर्क के किसी पॉइंट पर फ्लो करने वाली करंट का मान किसके बराबर होता है, उन सभी टोटल करंट, उन सभी करंट के
के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है, जो सर्किट में में कनेक्टेड सोर्स के अलग अलग एक्टिव होने पर प्राप्त होती है। ठीक है, ले इसका कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि अभी जैसे क्या करोगे, ये 3 वोल्ट की वजह से भी करंट फ्लो करेगी और 5 वोल्ट की वजह से भी। देखो मैं यहाँ पे ऐसे मान लेती हूँ कि पहले मैंने ये 3 वोल्ट है, इसकी वजह से भी करंट फ्लो होगी I1 3 वोल्ट की वजह से, यहाँ I2 मान लो और यहाँ I3 मान लो। ठीक है, ठीक है, I1 मैं स्टेटमेंट उसके बाद ही समझाऊंगी क्योंकि आपको समझना ही रहेगा, पहले I1 फिर I2 फिर I3। ठीक है, ये करंट है इस ब्रांच, पहले मैंने ब्रांच की करंट मान ली। अब मैं कह रही हूँ यहाँ पर अगर एक सोर्स लगा होता तो सिर्फ 3 वोल्ट की वजह से करंट I1 I2 I3 होती, लेकिन अब यहाँ पर 5 वोल्ट भी लगा है तो यहाँ तक दो सोर्स की वजह से आपकी क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो दो सोर्स की वजह से करंट कैसे होगी, वो ये कहेगा कि जो I1 करंट आ रही है, ये I1 करंट किसके बराबर होगी, एक तो होगी 3 वोल्ट की करंट के बराबर, 3 वोल्ट, और एक होगी 5 वोल्ट। तो इन दोनों के एल्जेब्रिक सम के बराबर जो करंट आएगी वो I1 होगी, मतलब इन दो, इसकी वजह से भी करंट फ्लो करेगी, इसकी वजह से भी इस ब्रांच में करंट फ्लो करेगी, इसी तरह इस सोर्स की वजह से इसमें भी फ्लो करेगी, इस सोर्स की वजह से इसमें भी फ्लो करेगी, यानी इस वाले में इसकी वजह से भी फ्लो करेगी और इसकी वजह से भी फ्लो करेगी। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी भी दो या दो से अधिक अगर आपके जो सोर्सेज हैं वो किसी लीनियर नेटवर्क में अगर कनेक्टेड हैं तो किसी भी पॉइंट पर बहने वाली जो करंट है, करंट का जो की जो वैल्यू होगी, जैसे I1 है, वो किसके बराबर होगी, वो सभी टोटल करंट के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगी। मतलब ये जो I1 करंट है ये 3 वोल्ट करंट की वजह से और 5 वोल्ट की सोर्स की करंट की, 5 वोल्ट जो सोर्स है उसकी की वजह से जो करंट फ्लो करेगी, इन दोनों के एल्जेब्रिक सम के बराबर क्या होगी, I1 होगी। इसी तरह आपकी क्या होगी, I2 जो करंट है वो भी किसके बराबर, 3 वोल्ट की वजह से, 5 वोल्ट की वजह से। इसी तरह I3 3 वोल्ट की वजह से, 5 वोल्ट की वजह से। तो ये किसके बराबर होगी, एल्जेब्रिक सम के बराबर होगी। समझ आ गई मेरी बात, तो मैं अभी आपको जरा समझाती हूँ, इसका स्टेटमेंट लिख के दे रही हूँ मैं आपको, फिर और इसके साथ ही मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि जब दो या दो से अधिक सोर्स किसी भी लीनियर नेटवर्क में कनेक्टेड होंगे तो किसी भी पॉइंट को, अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखें, किसी पॉइंट पर जो बहने वाली करंट होगी, वो करंट जो होगी वो करंट सभी करंट्स के एल्जेब्रिक सम के बराबर होगी। जैसे इसकी वजह से करंट फ्लो कर रही है, इसकी वजह से करंट फ्लो कर रही है, यानी उस सर्किट में कनेक्टेड जितने भी सोर्स होंगे उसके अलग अलग एक्टिव होने पर जो करंट होगी वो उसके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगी। तो कहने का सेंस ये हो गया कि एक टाइम पे दो सोर्स तो आपके एक्टिव होंगे नहीं जब आप उसको कैलकुलेट करोगे। सपोज आपने कहा कि 3 वोल्ट को आप एक्टिव कर रहे हो तो उस टाइम पे 5 वोल्ट को आप क्या करोगे, कंसीडर नहीं करोगे, उस टाइम आप सर्किट में 5 वोल्ट को भूल जाओगे और ये जो 5 वोल्ट है इसको आप इसकी इंटरनल इम्पीडेंस यानी R से क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। तो अगर वो जो वैल्यू अगर आपकी इंटरनल इम्पीडेंस दी हुई है तो ठीक है, नहीं दी है तो सिंपली आप उसे वायर से क्या कर दोगे, ऐसे रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, फिर आप 5 वोल्ट को लोगे, उस समय पे आप क्या करोगे, 3 वोल्ट को क्या कर दोगे, उसकी इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दोगे। अगर इंटरनल इम्पीडेंस की वैल्यू दी है देन इट इज़ ओके, अब इफ इट इज़ नॉट गिवन देन यू विल डायरेक्टली कनेक्टेड बाय द वायर। ठीक है, क्योंकि इंटरनल इम्पीडेंस आप क्या दिखा दोगे, 0 दिखा दोगे, तो सिंपली से वायर से क्या कर दोगे, ऐसे रिप्लेस कर दोगे, उस टाइम सर्किट आपका ऐसे दिखाई देगा। जैसे मैं 3 वोल्ट को इनएक्टिव कर रही हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे मैं इसको 5 वोल्ट को मान रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्टेटमेंट है। तो मैं आपको उसके पे न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।